हमारे पहाड़ के लोग बड़े संतुष्ट रहने वाले लोग, शांति में रहने वाले लोग, आत्मसंतुष्टि में रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल के विकास को गति देने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। मैं चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी तो आप चौका लगाकर आए हैं, इस साल का अंत होते होते जो दो राज्य बचे हैं गुजरात हिमाचल प्रदेश, वो भी जीतकर आपकी झोली में डालेंगे। चौका लग चुका है, छक्का भी लगेगा। मैंने कल रात को लगभग 11:40 पर आदरणीय अध्यक्ष को फोन किया कि थोड़ा जरूरी है, आपसे मिलना है, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग है। मैंने उनको बताया क्या क्या कर, रात के 12:15 बजे भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय दिया और आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष, उनके संगठन महामंत्री, उनके उन्ना के अध्यक्ष, वो सारे आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। क्या सच में हिमाचल प्रदेश में सत्ता की गर्माहट अब नजर आने लगी है? हिमाचल प्रदेश में आज 3 दिग्गज शिमला में जुटे तो बीजेपी की भविष्य की रणनीति कहीं ना कहीं स्पष्ट होती दिखाई थी। जिस तरीके से मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक व्यक्तित्व का मालिक बताया, उन्होंने ये भी कहा कि इनके कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में अच्छे काम हुए हैं, लेकिन सिर्फ कमी है तो उन कामों को जनता तक पहुँचाने की। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की, कहा कि अनुराग ठाकुर केंद्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण चेहरा तो हैं, उसी के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बेहतरीन कामों को जनता के बीच में भी उसे लेकर जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक बात जगत प्रकाश नड्डा के भाषण से स्पष्ट हो गई है कि उन्होंने एक तीर से कई निशाने आज शिमला में अपने भाषण में साधे, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा एक संदेश हिमाचल प्रदेश में जनता के साथ साथ बीजेपी को भी दिया कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई बदलाव हिमाचल प्रदेश में नहीं होने वाला है और एक शरीफ व्यक्ति जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के कार्यकाल नेतृत्व में पार्टी हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आज तक देश में जो कहा जाता था वो किया नहीं जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने साबित किया है कि जो कहते हैं वो करते हैं और जो कहेंगे उसे आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा जब वो समय चला गया जब चुनाव से कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता भय खाता था, अब भाजपा का कार्यकर्ता 5 साल में पार्टी के किए गए कार्यों को जनता के बीच में लेकर जाता है और उसके दम पर वोट मांगता है। इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को शरीफ बताते हुए कहा कि वे काम ज्यादा करते हैं और कहते कम हैं। आपको बता दें कि जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी के साथ इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा के चुनाव का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 5 साल की परंपराएं भी बदल गई हैं, उत्तराखंड में ये मिथक टूट गया है और अब हिमाचल में इस रिवाज को बदल कर छोड़ेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश छोटा है लेकिन दायित्व बड़ा है। जयराम ठाकुर ने जेपी नड्डा की उपलब्धियों पर उन्हें बधाई दी। सीएम ने अनुराग ठाकुर की भी तारीफ की। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा अभी तो 4 राज्यों में चौका लगा है, आने वाले समय में छक्का भी लगेगा, इसमें हिमाचल और गुजरात के राज्यों को शामिल किया जाएगा। उनके मुताबिक हिमाचल की सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है और इसका परिणाम नवंबर में सामने आएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किस तरह से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रात को 11:45 पर भी पार्टी के काम के लिए तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि कल रात 11:40 पर फोन किया और उनसे मिलने का समय मांगा, इस पर उन्हें तत्काल समय दिया गया। इसी मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी के हिमाचल अध्यक्ष से लेकर इनके कई नेताओं को पार्टी की ज्वाइनिंग करवाई गई। ये बीजेपी में ही संभव है कि उनके कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष दिन रात काम करते हैं। बीजेपी ने दिग्गज नेताओं के रोड शो और जनसभा के साथ प्रदेश में चुनावी शंखनाद भी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में नवंबर माह में विधानसभा के चुनाव होना प्रस्तावित है, हालांकि इससे पहले मई या जून में शिमला नगर निगम के चुनाव बीजेपी का लक्ष्य है। देखना होगा जहां मई में नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित हैं और भाजपा हर हाल में जीतना चाहेगी, इससे विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट के लिए हौसला बढ़ेगा, ये तो भविष्य ही तय करेगा।